हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू विजन वाई। मैं हूं सचिन तिवारी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो आप सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन कैसे ले सकते हैं। एक्चुअली छत्तीसगढ़ में हुआ क्या कि सेंट्रल और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन उतने अच्छे थे नहीं, दैट्स वाई यहां पे दो टाइप से लोगों ने फर्स्ट वैक्सीनेशन ली, एक कोविन वेबसाइट आरोग्य सेतु ऐप के थ्रू और दूसरा जो स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट थी सीजीटी का। तो ज्यादातर लोगों ने जो सीजी टीका से फर्स्ट डोज ली उसका मेन कारण ये था कि उस समय अप्रैल में इस टाइम पे फर्स्ट डोज के लिए मारामारी बहुत थी, पैनिक सिचुएशन था, सबको फर्स्ट डोज चाहिए थी, सबको वैक्सीन चाहिए था ताकि वो अपने आप को सेफ फील कर सके। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने सीजी टीका वेबसाइट लॉन्च किया जिसके थ्रू लोग रजिस्टर करके स्लॉट बुक करके जाके फर्स्ट डोज ले रहे थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब सीजी टीका वेबसाइट हो गई है बंद। तो इसे आप गवर्नमेंट का फेल्योर बोले या गवर्नमेंट की नेग्लिजेंसी बोले, तकलीफ लोगों को हो रही है। आम आदमी सोच नहीं पा रहा है कि अब सेकेंड डोज कैसे लिया जाए। तो मैं आपको बताऊंगा कि घबराने की बात नहीं है, ना आप पैनिक होइए। सेकेंड डोज कैसे लेना है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो अब आप लोगों को करना क्या है सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन के लिए, कि जिन लोगों ने कोविन के थ्रू किया था उन्हें तो कोई समस्या नहीं है, वो तो सिंपली अपना अपॉइंटमेंट बुक करके जाके लगवा सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने सीजी टीका के थ्रू करवाया था तो उनके लिए चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हैं। उन्हें करना क्या होगा कि पहला काम ये तो बिल्कुल मत करिए कि आप कोविन में जाकर के अपना नंबर और आईडी से रजिस्टर कर लिए, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आप फर्स्ट डोज के लिए ही एलिजिबल होंगे, सेकेंड डोज आप वहां से अवेल नहीं कर पाएंगे। तो अब आपको करना क्या है कि आप कोविन वेबसाइट पे जाएं, वहां सर्च करें आपके डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, जैसा कि मैं आपको अब दिखाते हुए चल रहा हूं कि आपको करना क्या है। तो देख लीजिए नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो अब मैं आपको स्टेप वाइज स्टेप इंस्ट्रक्शंस बताते चल रहा हूं कि कैसे आपको फॉलो करना है, कैसे आप कर सकते हैं। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप गूगल में जाएं, गूगल में जाकर के आपको सिंपली सर्च करना है कोविन। जैसे आप कोविन सर्च करते हैं तो जो पहला लिंक है ये, इसी पे आप क्लिक करें तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट खुल जाएगी, यही कोविन की वेबसाइट है। तो यहाँ पे आप जाके साइन इन या रजिस्टर मत कीजिएगा क्योंकि आप सीजी टीका वाले हैं। तो सीजी टीका वाले क्या करेंगे कि आप नीचे आइए, तो ये देखिए यहाँ पे चेक योर नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर एंड स्लॉट्स अवेलेबिलिटी, मतलब जो आपके पास के वैक्सीन सेंटर्स हैं और वहाँ पे ऑनलाइन कितने स्लॉट्स बचे हैं ये इसमें शो करेगा। तो इसमें तीन तरीके से आप सर्च कर सकते हैं, सर्च बाय पिन जो आपका डिस्ट्रिक्ट का पिन होगा, देन सेकंड वन इज सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट जो आपके डिस्ट्रिक्ट का नेम है आप सिंपली उसमें जाके पुट करके आप सर्च कर सकते हैं, और तीसरा है सर्च बाय मैप, आप यहाँ पे मैप वाइज सर्च कर सकते हैं। तो जो मुझे सबसे कन्वीनियंट तरीका लगता है वह है सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट। तो मैं छत्तीसगढ़ से हूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ से स्टेट चुन लूँगा अपना छत्तीसगढ़, देन डिस्ट्रिक्ट। तो मैं दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, मैं भिलाई में रहता हूँ, तो मैं यहाँ से दुर्ग कर लूँगा और मैं सर्च कर लूँगा। उसके बाद ये देखिए ये सारे ऑप्शन यहाँ पे खुल जाएंगे कि दुर्ग में कहाँ कहाँ पे वैक्सीन अवेलेबल हैं, वो भी डेट वाइज कि 6th of September को कहाँ पे हैं। ये देखिए 6th of September को यहाँ यहाँ लग रहे हैं, 6 स्लॉट अवेलेबल हैं, कहीं पूरा बुक हो चुका है। तो इसमें फ़िल्टर भी है, जैसे कि अगर आप 18 and above हैं तो आप इसे कर लीजिए, कॉस्ट तो आप पैसे दे करवाना चाहते हैं या फ्री तो वो कर सकते हैं। ऊपर से यहाँ 3 type ऑफ वैक्सीन भी अवेलेबल हैं कि आप कोविशील्ड लगवाए आप लगवाना चाहते हैं, कोवैक्सीन या स्पुतनिक भी। तो जैसा कि मैंने कोविशील्ड का पहला डोज लिया हुआ था थ्रू सीजी टीका है तो मैं कोविशील्ड को चुनता हूँ, ठीक है। देन आफ्टर क्या होगा कि 6th of September को मैं देख रहा हूँ कि इतनी सारी जगह पे वैक्सीन अवेलेबल हैं। अब जैसे कि मुझे 7th of September को लगाना है तो मुझे करना क्या होगा कि आफ्टर 12 AM मीन्स 6 September जैसे ही ख़त्म होता है तो 7th of September को यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे कि 7 तारीख को 7th of September को कहाँ कहाँ पे वैक्सीन अवेलेबल हैं। अब जो भी यहाँ से मेरे नज़दीक होगा मैं उन्हें चुन सकता हूँ। हाँ, और आपको ये भी बता दूं कि जैसे कि यहाँ पे ये जो दिख रहा है कि जैसे कि इसको दे लेते हैं रेलवे स्कूल चरोदा, यहाँ पे 6 डोज अवेलेबल हैं, सेकंड डोज के लिए ही हैं 6, फर्स्ट डोज के लिए अवेलेबल नहीं है। तो ये सिर्फ इस वेबसाइट के थ्रू दिखाया जा रहा है कि वहाँ पे कितने डोज आप यहाँ से बुक करके जा सकते हैं।
और सेकंड थिंग ये है कि इसको देख के आप ये मत सोचिए कि वहाँ पे सिर्फ 6 ही डोज अवेलेबल हैं 6th of September के लिए या जिस डेट को आप चुनना चाह रहे हैं। आप वहाँ जाएँ, वहाँ जाके आपको पता चलेगा कि वहाँ पे डोज अवेलेबल हैं इन द मैक्सिमम अमाउंट। मीन्स गवर्नमेंट अपना पूरा काम कर रही है ताकि आपको वैक्सीन लग सके। ये सिर्फ ऑनलाइन के लिए है, वहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सिस्टम है। आप वहाँ जाएँ, अपनी आईडी बुक कराएँ, आईडी के थ्रू नंबर दें और वहाँ पे आप सेकेंड डोज ले सकते हैं या फर्स्ट डोज भी ले सकते हैं। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि आपको क्या वहाँ नहीं करना है और क्या करना है। हाँ, तो नेक्स्ट स्टेप अब आपको ये करना है कि कोविन के थ्रू आपने ये तो पता कर लिया कि आपको कहाँ पे टीका लगवाना है या कहाँ पे टीका लग रहा है, आपके कन्वीनियंट के हिसाब से आप कहाँ पे नियरेस्ट हब में जा सकते हैं। उसके बाद आप जब इस सेंटर में आपने लगवाना है, आप वहां पहुंच जाते हैं, तो आप वहां पे डिफरेंट आईडी लेके जाएं। मींस अगर आपने सीजी टीका फॉर एग्जांपल आधार कार्ड आईडी देकर के लगवाया हुआ है तो वह वहां नहीं चलेगा। आप वहां पे ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या वोटर आईडी, डिफरेंट कोई सी भी अपनी आईडी यूज कर सकते हैं, उसे यूज कर लें। और नंबर भी आपको डिफरेंट देना पड़ेगा। मींस आपने अगर सीजी टीका में जो फर्स्ट नंबर दिया है वहां पे वो यूज ना करें, वो भी वैलिड वहीं होगा। फिर वहां जाकर आप अपने नंबर और आईडी से रजिस्टर कराएं, वो आपको टोकन प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद जाकर के आप उस टोकन से उस सेंटर में वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो जैसे ही आप सेकेंड डोज लगवा लेते हैं इस प्रोसेस के थ्रू, तो आपका एक और क्वेश्चन अराइज होगा कि हम सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करेंगे, क्योंकि हमारा तो एक सीजी टीका है और दूसरा अगर इस प्रोसेस से हो जाता है तो घबराए ना। इसके होने के बाद आप सिंपली जाकर के कोविन वेबसाइट पे जाएं, अपने आपने जो नंबर से भी सेकेंड डोज लगवाया होगा, मीन्स लगवाएंगे आप, तो वो नंबर पुट करें। उसके बाद आप वहां पे देखेंगे कि आपका सेकेंड डोज का वहां पे शो होगा और उसी के थ्रू आप अपने सर्टिफिकेट डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी तरीका है, इसके थ्रू आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा और आपको सेकेंड डोज भी लग जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये क्लियर भी हो गया होगा कि सेकेंड डोज आप कैसे लगवा सकते हैं अगर आपने पहला डोज सीजीटी का से लगवाया है। तो नमस्कार, जय हिंद। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।